गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब पटियाला विखे वापरी घटना ते प्रतिकरम दिंदिया श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि सिख विरोधी शक्तियां वल्लों सोची समझी साजिश नाल गुरु घरां नूं निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पटियाला दे इतिहासिक गुरुद्वारा साहिब अंदर एक लड़की वल्लों शराब पीण दी घिनौनी हरकत साजिशी है, यह सेवन वापरियां वर्तारा नहीं हो सकता। एडवोकेट धामी ने कहा कि गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पटियाला विखे बीते कल एक लड़की वल्लों शराब पीण दी घटना बेहद दुखदाई है। उन्होंने कहा कि इस घटना नाल सिख कौम अंदर भारी रोष है। श्रोमणी कमेटी प्रधान ने कहा कि गुरुद्वारा साहिबान नूं लड़ीवार निशाने ते लिया जाना सिखा खिलाफ गहरी साजिश का हिस्सा प्रतीत हो रहा है। उन्होंने कहा कि पटियाला दे गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब विखे लड़की वल्लों शराब पीण दी घटना की सरकार उच्च पदरी जांच करे, ये पता लगावे कि केड़ियां शक्तियां गुरुद्वारा साहिबान दे प्रबंध अते मान मर्यादा नूं ढाल लगाउण दीआं हरकतां कर रहीआं हन। ये संजीदा भावनावां नाल कीती जाण वाली जांच दा विशा है। उन्होंने कहा कि श्रोमणी कमेटी अपने तौर ते इस नूं गंभीरता नाल लै रही है। एडवोकेट धामी ने यह भी कहा कि घटना दौरान जख्मी हुए श्रद्धालु सेवादार नाल श्रोमणी कमेटी हमदर्दी रखती है, उसका इलाज श्रोमणी कमेटी वालों करवाया जाएगा। उन्होंने संगतां नूं भी अपील की कि गुरु घर अंदर सचेत रूप में सहयोगी भावनावां नाल सेवावां निभाउण ता जो सिख विरोधी शक्तियां दे मनसूबे कायम ना हो सकन।